हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस, क्लास ट्वेल्थ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो देखना है दैट इज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी, इन सब टॉपिक्स के थ्रू हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक, आज का लेक्चर जो रहने वाला है दैट इज ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद, उसके तुरंत बाद हम ये देखेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, जैसे कि मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये वाली कंसंट्रेशन टर्म्स आज इंशाल्लाह कवर होने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम जैसे सॉल्यूशन है तो हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक, अब ये सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन को समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक, ध्यान देना, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इसका मतलब क्या है, सबसे फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो सब्सटेंसेस, दो कंपोनेंट्स को हम मिक्स करेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दो कंपोनेंट्स या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं वहां पे जो रिजल्टेंटिंग मिक्सचर आएगा, रिजल्टेंट मिक्सचर जो आएगा, उस रिजल्टेंट मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ठीक, फिर से सुनो, जब हम दो कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स और मोर देन टू कंपोनेंट्स को जब मिक्स करते हैं वहां पे जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, बट यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखी है दैट इज होमोजेनियस। वो जो मिक्सचर बनेगा, वो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा वो होमोजेनियस होना चाहिए। अब ये होमोजेनियस क्या है यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट्स मिक्स किए हैं, एक कंटेनर है, इसमें मैंने वाटर एंड शुगर ऐड किया है, इस तरह से वाटर एंड शुगर, इस तरह से मैंने यहाँ पे मिक्सचर बनाया। ठीक है बेटा, दो कंपोनेंट्स को जब हम मिक्स करेंगे वहां पे जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा अगर वो होमोजेनियस होगा तब जाके हम कह सकते हैं ये जो मिक्सचर है दिस इज सॉल्यूशन। ठीक, अभी होमोजेनियस क्या है, होमोजेनियस सिंपली क्या होता है, अगर मिक्सचर की कंपोजिशन ऑल ओवर द मिक्सचर सेम है, अगर वहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो हम कह सकते हैं दिस मिक्सचर इज होमोजेनियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब आप यहाँ पे शुगर वाटर सॉल्यूशन बनाओगे, इस मिक्सचर से आप अगर यहां से वाटर लोगे, चाहे आप यहां से वाटर लो, चाहे यहां से वाटर लो, चाहे यहां से वाटर लो, किसी भी पार्ट से अगर आप वाटर लोगे, ये जो मिक्सचर इसका पार्ट लोगे, तो यहाँ पे स्वीटनेस जो होगी इस मिक्सचर की स्वीटनेस सेम होगी। इसका मतलब यहाँ पे शुगर ऑल ओवर द कंपोजिशन, ऑल ओवर द मिक्सचर सेम है। इसका मतलब इसकी कंपोजिशन सेम है ऑल ओवर द मिक्सचर, इसी मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, अगर कंपोजिशन ऑल ओवर द मिक्सचर सेम है तो हम कह सकते हैं दिस इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में जितनी स्वीटनेस यहाँ पे होगी उतनी स्वीटनेस यहाँ पे होगी, इस वाले पार्ट में जितनी स्वीटनेस होगी उतनी स्वीटनेस इस वाले पार्ट में होगी, तो मैं कह सकता हूँ दिस इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक, सो अब क्या होता है सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, जब हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, ऑन मिक्सिंग जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा, ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है। अब सॉल्यूशन में हम दो कंपोनेंट्स या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, बट हमारे यहां पे, हमारे लेवल पे हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन मींस जब हम दो ही कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे, जब हम दो ही कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन जब हम फॉर्म करेंगे वहां पे दो कंपोनेंट्स हम लेंगे, सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं,
वन कंपोनेंट इज सॉल्वेंट, अनदर वन इज सॉल्यूट। ठीक है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स को हम मिक्स करेंगे, ऑन मिक्सिंग टू कंपोनेंट्स वहां पे जो मिक्सचर बनेगा दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज सॉल्वेंट अनदर वन इज सॉल्यूट। क्लियर है? ठीक, आगे जाके जब भी मैं सॉल्वेंट की बात करूंगा, सॉल्वेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए से, ये ध्यान रखना, सॉल्वेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए से एंड सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी से। ए इज सॉल्वेंट एंड बी इज सॉल्यूट। ठीक है, क्लियर है? बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे, वन इज सॉल्वेंट अनदर वन इज सॉल्यूट। ठीक, अब आपने कोई मिक्सचर बनाया है, कोई सॉल्यूशन बनाया है, कोई बाइनरी सॉल्यूशन आपने फॉर्म किया है, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस सॉल्यूशन में, इस मिक्सचर में कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है एंड कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट है। ठीक, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक, सॉल्वेंट वो वाला कंपोनेंट होता है जो जनरली क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जनरली मैं कह सकता हूं जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसी कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, जो हम अमाउंट यहां पर लेंगे वो हम जनरली मोल्स में लेते हैं। ठीक है, जनरली किसमें लेंगे, मोल्स में लेंगे। सॉल्वेंट क्या होता है, वो वाला कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा उस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। ठीक, क्लियर। अब सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट होगा जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, वो वाला कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट। ठीक, ये डेफिनेशन कब एप्लीकेबल होती है, जब दोनों कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट सेम होती है। ये वाली डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन, वो वाला कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। ये वाली डेफिनेशन कब एप्लीकेबल है, जब दोनों कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब क्या है फिजिकल स्टेट, फॉर एग्जांपल अगर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है तो सॉल्यूट भी अगर लिक्विड फॉर्म है तो हम बोल सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इफ फिजिकल स्टेट इज सेम, ठीक है, इफ फिजिकल स्टेट इज सेम तब ये वाली डेफिनेशन काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे देखते हैं, मेरे पास इथेनॉल है, इथेनॉल एंड वाटर सॉल्यूशन इस तरह से, वाटर को मैंने इथेनॉल में मिक्स किया है। ठीक, अब मैंने यहां पे जो इथेनॉल का अमाउंट लिया है हम यहां पे लीटर्स में लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे 2 लीटर लिया है। ठीक, एंड वाटर का जो मैंने यहां पे वॉल्यूम लिया है दैट इज 5 लीटर। ठीक, एंड यहां पे एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हुआ है, इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ठीक, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट एक्ट करेगा एंड कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट एक्ट करेगा। ठीक है, तो कैसे देखोगे, यहाँ पे फिजिकल स्टेट सेम है, फिजिकल स्टेट ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा, ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा, तो कैसे चेक करोगे, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, कौन सा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, वाटर, वाटर का 5 लीटर, इसका 2 लीटर है, तो मैं कह सकता हूँ ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो मैं कह सकता हूँ दिस कंपोनेंट विल एक्ट एज इज सॉल्वेंट। ठीक, ये सॉल्वेंट एक्ट करेगा, ये जो कंपोनेंट होगा ये एक्ट करेगा सॉल्यूट, ये सॉल्यूट एक्ट करेगा। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हो कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा एंड कौन सा सॉल्यूट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ये कंडीशंस चेंज करूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 लीटर्स ले रहा हूँ, यहाँ पे 5 लीटर्स ले रहा हूँ, क्या होगा, यहाँ पे स्नैरियो चेंज होगा। अब ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला कंपोनेंट अब एक्ट करेगा सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे इसका अमाउंट ज्यादा है, ये एक्ट करेगा सॉल्यूट। ठीक है, ये एक्ट करेगा सॉल्यूट, सिंपल है। तो सिंपली आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो एक्ट करेगा सॉल्वेंट, एंड जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो एक्ट करेगा सॉल्यूट। ठीक, सिंपल है। तो आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर फिजिकल स्टेट सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे। ठीक,
अगर फिजिकल स्टेट ऑफ दो कंपोनेंट सेम नहीं है, अगर एक कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में दूसरा कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में, तब हम कैसे देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट एक्ट करता है, कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट एक्ट करता है। तो लिखते हैं यहाँ पे, अगर फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, इफ फिजिकल स्टेट इज नॉट सेम, अगर फिजिकल स्टेट सेम नहीं है तब हम कैसे चेक करेंगे। तो ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। अगर ये वाली कंडीशन है आपके पास एक कंपोनेंट क्या है लिक्विड फॉर्म में, दूसरा कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में, मतलब डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट है, तो आपको ये चेक करना है कि फाइनल जो सॉल्यूशन, फाइनल जो मिक्सचर आपका बन रहा है, फाइनल जो सॉल्यूशन आपका तैयार हो रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर एंड वाटर को मिलाया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर एंड वाटर को मिक्स किया है इस तरह से, तो यहां पे जो फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होगी वो क्या होगी। फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्वियसली यहां पे लिक्विड फॉर्म में होगा, फाइनल सॉल्यूशन जो यहां पे फॉर्म होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। अब आपको ये देखना है कि यहां पे सॉल्वेंट कौन एक्ट करेगा एंड सॉल्यूट कौन एक्ट करेगा, तो आपको ये चेक करना है कौन से कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट मैच हो रही है किसके साथ, फाइनल सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे शुगर सॉलिड फॉर्म में था, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, ठीक, एंड फाइनल मिक्सचर का जो फिजिकल स्टेट है दैट इज लिक्विड फॉर्म किसके साथ मैच हो रही है, वाटर के साथ। फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल फॉर्म क्या है, लिक्विड, एंड वाटर की भी फिजिकल फॉर्म क्या थी, लिक्विड। इसका मतलब वाटर की फिजिकल स्टेट किसके साथ मैच हो रही है, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के साथ। तो वाटर यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। ठीक, जिस भी कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फाइनल फिजिकल स्टेट के साथ मैच होगी, वही वाला कंपोनेंट एक्ट करेगा एज ए सॉल्वेंट। ये इस केस में आपको चेक करना है। ठीक है, तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम होगी, सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसकी फिजिकल स्टेट सेम होगी एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से आप चेक कर सकते हो अगर आपके पास टू डिफरेंट स्टेट्स में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहां तक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन होती क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद कंसंट्रेशन को समझते हैं। तो हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड amount of solvent or solution is known as concentration of that solution. क्या चेक करना है यहाँ पे, that is amount of solute. कितना amount of solute हमने एक fixed amount, this is important, fixed amount of solvent and या solution में डाला है, कितना amount of solute आपने fixed amount of solvent or solution में डाला है, उसी को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दूसरा बीकर है इस तरह से। ठीक, यहां पे मैंने 5 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड किए, यहां पे मैंने 10 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड किया। ठीक, एंड इसका जो अमाउंट है दैट इज 1 लीटर, इसका अमाउंट है 1 लीटर। ठीक, अब आपको कंसंट्रेशन चेक करनी है। कंसंट्रेशन कैसे चेक करोगे, यहाँ पे 5 ग्राम ऑफ शुगर ऐड हो रहा है, यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ शुगर ऐड हो रहा है, सिंपल है। तो क्या चेक करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा वहां पे कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। यहाँ पे 1 लीटर के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो यहाँ पे 10 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 5 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ज्यादा शुगर ऐड हो रहा है। अगर ज्यादा शुगर ऐड हो रहा है, ज्यादा सॉल्यूट ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो
होगी, इस तरह से आप कंसंट्रेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है बी। ठीक, इसमें मैंने 5 ग्राम्स ऐड किए हैं, इसमें मैंने 100 ग्राम्स ऐड किए हैं, एंड यहाँ पे 5 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ शुगर। अब आपको ये बताना है किस वाले कंटेनर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यहाँ से दिख रहा है 5 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड किए हैं, यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड किया आपने। ठीक, तो यहाँ से दिख रहा है साफ साफ 100 ग्राम्स ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो रहा है। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो रहा है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको ये भी चेक करना है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कितना है। मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कितना है एंड यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन कितना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो अज्यूम किया था, यहाँ पे मैंने एक इस तरह से एक ग्लास में 5 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड किए थे। ठीक, ये जो बी वाला कंटेनर था ये बहुत बड़ा था, ये इस तरह से बहुत बड़ा कंटेनर था एंड यहाँ पे मैंने 100 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड किए थे इस तरह से। अब मुझे बताओ कहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको चेक करना है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है। ठीक है, इस तरह से आप कंसंट्रेशन चेक कर सकते हो। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस कंसंट्रेशन को। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे पास एक बीकर है, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने बनाया है शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन। दूसरा कंटेनर है, यहाँ पे भी मैंने शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन फॉर्म किया है। ठीक है, दो कंटेनर है मेरे पास, एक में शुगर वाटर सॉल्यूशन, दूसरे में भी शुगर वाटर सॉल्यूशन। अब आपको ये बताना है कहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कैसे आप चेक करोगे कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, इस वाले ए वाले कंटेनर में ज्यादा है या बी वाले कंटेनर में ज्यादा है, किस वाले कंटेनर में कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कैसे चेक करोगे, सिंपली आपके पास यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी शुगर सॉल्यूशन है, तो आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पे इसको टेस्ट करोगे, इस वाले कंटेनर को भी टेस्ट करोगे, जहां पे स्वीटनेस ज्यादा होगी, जहां पे स्वीटनेस ज्यादा होगी इसका मतलब वहां पे अमाउंट ऑफ शुगर ज्यादा है। अगर अमाउंट ऑफ शुगर ज्यादा है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सिंपल है। ठीक, इस तरह से आप ये चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको ऐसे दो कंटेनर्स दूंगा, ये ए वाला कंटेनर है, ये बी वाला कंटेनर है। ठीक, यहाँ पे H2SO4 मैंने फिल किया है एंड यहाँ पे भी H2SO4 मैंने फिल किया है इस तरह से। अब आपको ये बताना है कौन सा कंसंट्रेटेड है एंड कौन सा डाइल्यूट है, कहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 ज्यादा है एंड कहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 कम है। ठीक, बता सकते हो आप लोग कैसे चेक करेंगे, क्या यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे तो टेस्ट नहीं कर सकते, एसिड है, एसिड हार्मफुल होता है हमारे लिए, तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम टेस्ट नहीं कर सकते इनको तो हम कैसे चेक करेंगे कि किसी कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे पिक्चर में आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स की, टू डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक, आपने देखा होगा ऐसे बोटल्स होते हैं, बोटल्स पे इस तरह से फॉर एग्जांपल किसी पे 5 मोलर लिखा हुआ होता है, किसी पे 10 मोलर लिखा हुआ होता है। ये क्या इंडिकेट कर रहे होते हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक, इस वजह से हमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी पड़ती है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक, तो इसको रैप करते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स में फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म हमें डिस्कस करनी है दैट इज मोलारिटी। कैपिटल एम से डिनोट करेंगे मोलारिटी। ठीक, इसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एम। ठीक, तो मोलारिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन फर्स्ट हम लिखते हैं। यहां पे मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1 लीटर
एक लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसी कंसंट्रेशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी कैपिटल एम। ठीक, क्या होती है मोलैरिटी, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन में ऐड किए हैं, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन में ऐड किए उसी कंसंट्रेशन टर्म को हम क्या कहेंगे, मोलैरिटी। ठीक, अब अगर मुझे इसको फॉर्मुलेट करना होगा, कैसे फॉर्मुलेट करूंगा, तो मोलैरिटी को मैं लिख सकता हूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, सिंपल है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे मैं इंडिकेट करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है इसको हम इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स एन लिखते हैं। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इस तरह से आपको पता होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट हम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिखना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू एन ए, क्योंकि मैंने अभी बताया है सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए इंडिकेट्स दैट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखा जा रहा है। ठीक है, तो एन ए किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, सिंपल है। इसी तरह से अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना होगा, सिंपल है, अब सिंपली यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एन बी, अगर यहाँ पे एन बी आ रहा है तो यहाँ पे वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी आएगा। इस तरह से आप ये लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे आ जाओ, मोलैरिटी किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी लिख सकता हूँ, एन बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स लिख सकता हूँ, इस तरह से सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी किसके बराबर होते हैं, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। ठीक, साथ में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम एमएलएस में गिवन है, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम एमएलएस में गिवन है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। तो ये आपकी यहाँ पे क्या लिखोगे, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ एमएलएस में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, एमएलएस में आएगा। अगर आप 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम एमएलएस में यहाँ पे आएगा। इस तरह से ये फार्मूलाज होती हैं फॉर मोलैरिटी। ठीक है, ये फार्मूलाज किसके लिए होती है, मोलैरिटी के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, दैट इज यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी, इसके यूनिट्स क्या होंगे। ठीक है, यूनिट्स मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल ही होता है, वॉल्यूम लीटर। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल लीटर इनवर्स, एंड इसी को हम मोलर भी कह सकते हैं। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स को ही हम क्या कह सकते हैं, मोलर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने ऐड किए हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी। ठीक, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मुलेट किया, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इसको मैं ऐसे इंडिकेट किया, एन बी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, अगर आपको वहाँ पे वॉल्यूम एमएलएस में गिवन है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स इसका मोल लीटर इनवर्स होता है, या मोलर भी कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है, दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हमारे पास है, दैट इज मोलैरिटी। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, ये मोलैरिटी है। फर्स्ट कंसंट्रेशन हमने क्या पढ़ी थी, मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी स्मॉल एम। ठीक, मोलैरिटी क्या होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
moles of solute present in 1 kg of solvent. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम डिफाइन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस कंसंट्रेशन टर्म को हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी, ठीक है. अब अगर मुझे इसको फॉर्मुलेट करना होगा तो स्मॉल m को मैं लिख सकता हूँ, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पे 1 kg मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, ठीक है. मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें लेना है, kg में, ठीक है. तो यहाँ पे मोलैलिटी को मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अभी मैंने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूँ nb, इस तरह से nb, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखूंगा, वेट ऑफ a, इस तरह से मास या वेट यही बात है यहाँ पे, दैट इज वेट ऑफ a, इसमें लेना है kg में, क्लियर है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, वेट ऑफ b अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ b लिख सकते हैं, ठीक. तो देखो यहाँ पे वेट ऑफ b अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ b इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ a इन kg. अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर गिवन है, किसमें गिवन है, वहां पे ग्राम्स में अगर गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे मोलैलिटी में किया था. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ ए इन kg, सॉरी ग्राम्स. इस तरह से ये फॉर्मूला निकल के आती है फॉर मोलैलिटी स्मॉल m, ठीक है. अब इसके यूनिट्स की बात करते हैं, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, तो यहां पे ध्यान दो, यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट, ठीक, वेट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट, नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल्स अपॉन kg, या इसको हम लिख सकते हैं मोल kg इनवर्स, ठीक है. इसी को हम लिख सकते हैं मोल लॉग, इसको हम लिख सकते हैं मोल लॉग, ठीक है. क्या होता है मोलैलिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट क्या होते हैं, मोल, तो यहाँ पे वेट का क्या होगा, kg ऐसा यूनिट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मोल kg इनवर्स, इसी को मैं डिफाइन कर सकता हूँ मोलर, ठीक है, मोलर इस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूँ. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे सेकंड कंसंट्रेशन टर्म भी, दैट इज मोलैलिटी, ठीक. तो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म की ओर बढ़ते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन. थर्ड कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास है मोल फ्रैक्शन, ठीक है. मोल फ्रैक्शन को इस तरह से हम काई से डिनोट करते हैं, एक्स पढ़ू या काई पढ़ू, ठीक, इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं. तो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एक्स के थ्रू. क्या होता है मोल फ्रैक्शन, इस तरह से लिखो लिखो यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे, वन इज सॉल्वेंट, another one is solute, ठीक है, solvent A and solute B, इस तरह से. For example, इसके मैंने यहाँ पे Na moles लिए हैं, इसके Nb moles लिए हैं, ठीक. एक solution है, दो components हैं वहाँ पे, one is solvent, another one is solute, ठीक. इसके moles Na, इसके moles Nb है, यहाँ तक clear हुआ होगा, ठीक. तो मुझे mole fraction निकालना है, ठीक है. तो mole fraction कैसे मैं निकालता हूँ, mole fraction में simply कैसे निकालता हूँ, number of moles किसी भी species के लिए अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. तो यहां पे लिखते हैं फर्स्ट जनरल फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी स्पीसीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी स्पीसीज इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दैट स्पीसीज, मोल्स ऑफ दैट स्पीसीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हो. अगर किसी भी स्पीसीज के लिए आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करोगे, उसके मोल्स चेक करने हैं सॉल्यूशन में, कितने मोल्स है अपॉन वहां पे कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, ठीक, क्लियर है यहां तक.
फॉर एग्जाम्पल मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, गाय ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, यहाँ पे इसके मोल चेक करने एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन ए यहाँ पे इसके मोल्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे एन ए प्लस एन बी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के मोल्स, ठीक सिंपल है। इसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होगा किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इस तरह से आप चेक कर सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी स्पीसीज किसके बराबर होगी, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा यहां तक मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता है, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी, ठीक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट काय ए प्लस काय बी किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे चेक करो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस इसके मोल्स कितने हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये टर्म सेम है तो कॉमन निकालो यहाँ से, तो ऊपर में क्या बचेगा एन ए प्लस एन बी तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये वन के बराबर आएगा। तो फाइनली काय ए प्लस काय बी किसके बराबर होता है, नंबर वन के बराबर, ठीक है इस तरह से, ठीक। अब अगर आप काय ए एंड काय बी को डिवाइड करोगे तो ये बराबर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक। ये भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है मोल फ्रैक्शन के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तीन कंसंट्रेशन टर्म्स आज हमने डिस्कस किए, फर्स्ट वन इज मोलैरिटी, उसके बाद मोलैलिटी एंड थर्ड वन इज मोल फ्रैक्शन, ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।